हेलो स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज है 8.2, जिसमें क्वेश्चन है एरिया स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। सो फर्स्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इन दो फॉर्मूला से हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, लेंथ इज इक्वल टू 9, ब्रेथ इज इक्वल टू 7। लेंथ आपको दे रखी है 9, ब्रेथ दे रखी है 7। ओके, फर्स्टली आप क्या करोगे क्वेश्चन को आंसर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये आपने फॉर्मूला नोट किया। देन नीचे 9, अब यहाँ पे आपको 9 दे रखा है सेंटीमीटर, ये दे रखिए सेंटीमीटर में, तो आप आई क्या लिखोगे, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 7, 63। एरिया दे रखा है तो एरिया का हम मेजरमेंट के लिए कहते हैं स्क्वायर, हम स्क्वायर का लिखेंगे एस क्यू स्क्वायर, देन आपको देखता है सेंटीमीटर, 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आपको अगर एक साइड दे रखी है, साइड इज इक्वल टू आपको दे दी 8 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलर या फॉर्मूला नोट करोगे, पहले एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ पे कितनी साइड दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दे दिया, आपको क्या दिया है एरिया, एरिया दे रखा है यहाँ पे 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको वन साइड आपको दे रखी है लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है, यहाँ पे मिसिंग कौन सी है ब्रेथ, ये आपको आपकी बुक में ये एज ए डायग्राम। ओके, यहाँ पे आपको ब्रिथ फाइंड करनी है, आपको लेंथ दे रखी है और एरिया दे रखा है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, फर्स्टली हम सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिथ, जस्ट उसके नीचे एरिया कितना दे रखा आपको 120 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा आपको लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिथ, यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रिथ, क्योंकि यहाँ पर ब्रिथ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिर यहाँ पे 12 है, 12 की साइड चेंज करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 12 बन जा 12, 0 नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, तो उसमें उसकी ब्रिथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। सिमिलर अगर आपको स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर में आपको एरिया दे, एरिया दिया हुआ है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको साइड फाइंड करनी है। ओके, इसकी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी साइड दे रखी थी, वन साइड दे रखी थी, तो हमें भी इसमें क्या करनी है साइड फाइंड करनी है। अब ऐसे कोई डिजिट जिसको हम सेल्फली मल्टीप्लाई करें, जैसे कोई भी डिजिट है 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, सिमिलर ही या हम स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, तो 81 स्क्वायर रूट 9 का, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू कितना होता है 81, तो वहां पे ये साइड कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ओके, इसी से एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चंस है जो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। That's all for today. Thank you.